हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए हैं, जिसमें AIRF की बड़ी बयान जारी हो चुकी है, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी का 1,18,000 पदों पर भर्ती कंफर्म हो चुकी है। इस भर्ती में ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए ये भर्ती है या 10th लेवल पर भर्ती निकलेगी, और वैकेंसी कब तक आएगी और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी लोको पायलट्स में ये बड़ा एक तरीके से अच्छा फैसला हुआ है कि हम सीधे तौर पर जो है वो तकरीबन 20,000 पोस्टें भरने का काम करेंगे। इसके अलावा अभी 9,000 पोस्टें जो हैं वो करीब टेक्नीशियन की भरी जा रही हैं और उनको रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ये संख्या बढ़कर के 25-30,000 के करीब हो जाएगी। तो 20,000 के करीब और टेक्नीशियन भर्ती करने पड़ेंगे, उनमें सिग्नलिंग के मेंटेनेंस भी होंगे, उनमें मैकेनिकल के लोग भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के लोग भी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के आर्टिजन्स भी होंगे। तो इसके अलावा ट्रैकमैन जो है वो उनकी भर्ती होनी है, करीब 1,00,000 जो है वो 1,800 के ग्रेड पे में भर्ती होनी है। अभी ये भर्ती निकलनी है और निश्चित तौर पर थोड़े दिनों के बाद इसका निकलने का काम होगा, क्योंकि अक्टूबर में इसका कैलेंडर देने का काम मंत्री जी ने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए। और तो फ्रेंड्स, ये AIRF की बयान थी, जिसे आप लोगों ने देखा कि वैकेंसी कब आएगी और कितने पोस्ट पर आएगी और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की ID दे रखी है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, धन्यवाद।